कुछ समय पहले तक 10 रुपए के सिक्कों को लेकर बाजार में अफवाह फैली थी कि ये बंद होने वाला है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, वहीं 1 रुपए के सिक्कों को लेकर भी मार्केट में अफवाह है कि ये बंद हो सकता है। इसीलिए टॉप रिपोर्ट चैनल ने जानने की कोशिश की कि आखिर इसकी क्या वजह है कि 1 रुपए का सिक्का बंद हो सकता है। आइए आपको बताते हैं इसकी पूरी सच्चाई। क्या आपने कभी सोचा है कि सिक्के बनाने में कितना खर्च आता है और सिक्कों का नियंत्रण RBI नहीं तो कौन करता है? 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक सभी सिक्कों का निर्माण भारत की सरकार करती है। इस विषय में हाल ही में RTI लगाई गई थी, जिससे सिक्कों का चौंका देने वाला सच सामने आया। RTI से पता चला कि सिक्के बनाने का खर्च क्या आता है, अर्थात सरकार को सिक्का कितना महंगा पड़ता है। RTI के जवाब में RBI ने कहा कि सरकार के लिए 1 रुपए का सिक्का काफी खर्चीला होता है। 1 रुपए का सिक्का बनाने में 1 रुपए और 11 पैसे का खर्च आता है, इसलिए सरकार बहुत जल्दी 1 रुपए के सिक्के बंद कर सकती है। वहीं 2 रुपए के सिक्के की लागत 1 रुपए 28 पैसे होती है। वहीं 5 और 10 रुपए के सिक्के में क्रमशः 3 रुपए 69 पैसे और 5 रुपए 54 पैसे की लागत आती है।